लेजेंड्स वेलकम बैक। तो आज हम एक ऐसी गाड़ियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसको देख के आप भी बोलने लगोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की दे रहे। सो हेयर इट इज द ग्रैंड चेरोकी फ्रॉम जीप। दोस्तों इस बार पूरे न्यू अवतार में चेरोकी आए हुए हैं। एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर फीचर्स लुक सारे के सारे बदलाव किए गए हैं। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीप चेरोकी आप मेड इन इंडिया बन चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ असेंबल इंडिया पे हो रही है। सो आपको पोपट बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि ना चाहकर भी इंट्रो को बदलना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब इसी महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसको सस्पेंड कर दिए। तो इसलिए दोस्तों वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर एक्सक्लूसिव अपडेट्स। सो जैसे ही हमको नया वीडियो अपलोड करे तो उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास पहुंचेगी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों प्राइस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी का फिलहाल के लिए जो प्राइस इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगी वो है 77.5 लाख एक शोरूम शुरुआती कीमत। लेकिन जो चेंजेस किया गया है ब्रांड की तरफ से वो तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट डिजाइन लेआउट जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे चेंज किया गया है। लेकिन दोस्तों वही 7 स्लॉट स्क्रीन जिसको इस बार भी रिप्लेस नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों वही तो चेरोकी का पहचान है। तो मैट्रिक्स एलईडी डीआरएल डे टाइम रनिंग एलईडी हेडलैम्प सेटअप ऑफर की गई है। तो साथ साथ अंडरनेस सेक्शन पर फॉग इंडिकेटर वो भी एलईडी इंडिकेटर है एंड काफी हद तक 70s का जो चेरोकी है तो उसी के कोर डीएनए फ्लेवर आपको इस बार फील देने वाला है। बोनेट का डिजाइन काफी सिंपल सा है, थोड़ा सा यहाँ पर स्लोपिंग साइड पे मैं बोला जाऊंगा एंड जीप का जो बैचिंग है दोस्तों जो एसेंस है डीएनए है ग्रैंड चेरोकी का वो तो नेक्स्ट लेवल है। साथ ही साथ एक न्यू अवतार ईयर की जो न्यू एप्लिंग है वो भी दर्शा रहे। नाउ लेट्स मूव ऑन द साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एक रिफ्लेक्टर एलईडी यहाँ पर ऑफर की गई है एंड इस बार जो व्हील आपको मिलने वाला है बड़े बड़े व्हील्स यानी कि 20 इंचेस के एलॉयस ऑफर की गई है। साथ साथ ये रेगुलर है और एक डायमंड कट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है एंड साइड प्रोफाइल बहुत हद तक सिंपल रखने की कोशिश किया गया है एंड ये काफी बड़ा है लेकिन है तो गाड़ी 5 सीटर ताकि आपको मैक्सिमम कम्फर्ट मिले। ऐसा इसलिए जो एपलिंग है कभी आप बोल सकते हो अलग है दूसरे किसी भी गाड़ी से। जो डोर हैंडल से बॉडी कलर एलिमेंट के साथ इस बार भी बरकरार रखा गया ग्रैंड चेरोकी का बैजिंग दिया गया। तो ये अमेरिकन लोगों को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आते हैं। जो लोगो आप शायद देखे होंगे अमेरिकन जो ट्रैक्स वगैरह होते हैं फॉरेस्ट पर और साइड में कुछ लिखा होता है तो वही चीज इस बार भी अप्लाई किया गया। दोस्तों जो ओवर बीएम है उसी के साथ टर्निंग इंडिकेटर नीचे पार्किंग लाइट्स एंड कैमरा सेंसर प्लेस किए गए देखने में काफी अलग है, स्पेशली नाइट में ये चीज बहुत ज्यादा जचने वाले है मेरे दोस्त। दोस्तों इसके अलावा जो ग्लास एरिया का टोटल साइड है वहाँ पर एक क्रोम लाइन का फिनिशिंग बार आपको इस बार दिखाई देने वाला है एंड अपर में मिनिमल सा रूफ रेल्स है एंड दैट इज फॉर ऑब्वियसली सो एंड लेट्स मूव ऑन द रियर प्रोफाइल। तो दोस्तों पीछे काफी हद तक यूनिक एंड सिंपल डिजाइन लेआउट इस बार आपको दिखाई देने वाला है। जो एलईडी डीआरएल इंडिकेटर है एंड मिडिल पे जीप जीप का बैजिंग मिल जाता है, दो साइड पे अंडरनेस सेक्शन पर भी छोटे छोटे बैजिंग मिल जाते हैं, एक 4x4 का और दूसरी तरफ जो है लिमिटेड लिखा हुआ है, बेसिकली लिमिटेड एडिशन का। तो दोस्तों क्लासी तो है इसमें नो डाउट एंड अपर में रियर जो रूफ स्टॉप लैंप्स है वो भी मिल जाता है विद सर्फिंग एंटेना एंड अंडरनेस सेक्शन पर कॉम बम्पर स्प्लिट प्लेट एंड दोस्तों जो सी पिलर डी पिलर है इन दोनों पिलर का डिजाइन काफी यूनिक है, ब्लैक एलिमेंट से डिवाइड किया है एंड आप देख सकते हो जो लोअर बॉडी सेक्शन है उससे इसको अलग किया गया है एंड पावर ओपनिंग बूट डोर ओपनर टेलगेट भी यहाँ पर ऑफर की गई है। तो फ्रेंड्स आप अपने करीब दोस्त लोगों को बिठा सकते हो इसके अंदर तो बिठा के बड़े मजे ले सकते हो। ओके दोस्तों मजे नहीं, काफी अच्छी कैसे स्पेस दिए गए है एंड 18 इंचेस के स्पेयर व्हील भी यहाँ पर ऑफर की गई है ताकि आपको इमरजेंसी कंडीशन में इसका सहायता लेना पड़े एंड नीचे और कुछ नहीं है। ओके तो इंटीरियर का क्या मामला उसका एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल काफी बड़े एसयूवी है तो अच्छी खासी जो स्पेस है वो इंटीरियर में आपको मिल ही जाएगी। साथ ही साथ जो लग्जरियस है वो तो इसमें आपको कहीं ना कहीं फील आने वाला है नो डाउट एंड कॉकपिट का जो डिजाइन लेआउट है काफी सिंपल रखा गया है, यानी कि ढंग से ज्यादा यहाँ पर कोई भी फालतू की चीजें ऐड नहीं करी गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्ट टच मटेरियल का फिनिशिंग काफी अच्छा यहाँ पर एक लुक एंड अपलिंग दे रही है आपको दिखाई देने वाला है। बहुत ही क्लासी टाइप का 10.9 इंचेस की इंफोटेनमेंट पैनल ऑफर की गई है एंड साथ ही साथ उसके ऊपर कुछ बॉटम सेक्शन एंड पोर्ट्स के सेक्शन ऑफर की गई है जैसे कि एसी कंट्रोलर है एंड गाड़ी के जो क्लाइमेट कंट्रोल जोन है उसका कुछ कंट्रोल है एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि 10.25 इंचेस का फुल्ली डिजिटल है एंड स्टीयरिंग व्हील को भी
भी लेदर अपोस्टे के साथ कवर किए गए हैं। लॉट ऑफ कंट्रोल्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। एडस मल्टीमीडिया कंट्रोल सारे के सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड स्टीयरिंग जो है रीच एंड टेल दोनों एडजस्टमेंट के साथ इस पर आए हुए, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। इसके अलावा सर्दियों का मौसम में आप स्टीयरिंग को हीटिंग एंड गर्मियों के मौसम में कूलिंग दोनों चीज आप कर सकते हो। दोस्तों और भी एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो को पैसेंजर के लिए एक स्क्रीन छोड़ दिया गया है ताकि उनको नीड के हिसाब से थोड़े बहुत ऑपरेट कर पाए एंड बढ़िया मजा ले सके ऐसे इसलिए। एंड व्हिच इज 10.25 इंचेस के, तो एक हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर की गई है, स्मार्ट डिस्प्ले जो की है। तो हो सकता है आपको बाहर से ये चीज आपको पता भी ना चले, बट यहाँ पर ऑफर की गई जो की 10 इंचेस के। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल डिजाइन है बट काफी काम की चीज है। एंड एंड्रॉइड ऑटो एंड साथ साथ एप्पल कारप्ले दोनों चीजें है। नेविगेशन, स्मार्ट कॉलिंग ये सब तो है, बाकी सारे जो जरूरत की चीजें है वो सब ऑफर की गई। एंड दो यूएसबी पोर्ट, एक टाइप सी है एंड ऑब्वियसली टाइप बी, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, ईयर सिलेक्टर, अभी एक नॉब के जरिए आप एमटी एंड एमटी दोनों ट्रांसमिशन कर सकते हो, यानी कवर की गई है। एंड ऑटो सेंस नो ये सब बड़े ऑफरोडिंग तौर पे अलग अलग मोड्स यहाँ पर डाले हुए हैं। एंड दोस्तों आर्मरेस्टर भी यहाँ पर लेदर अपोस्टो का साथ आते हैं। एंड यहाँ पर भी अच्छी खासी थोड़ा बहुत स्पेस ऑफर की गई है जो कि स्टोरेज ग्लव बॉक्स है। इसके अलावा मेन कूलिंग ग्लव बॉक्स एंड वायरलेस चार्जिंग पैड वो सब तो ही। दोस्तों अगर आप चाहो तो रात में आपके पार्टनर के साथ खुले हुए छत के बाहर बढ़िया मजा ले सकते हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि बिग पैनोरामिक सनरूफ दिए गए है तो सेकेंड एक्सटेंड होती है तो काफी अच्छी खासी बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ के तौर पे। दोस्तों पीछे का जो सेकेंड रो है काफी अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर भी ऑफर की गई है, चाहे लेग रूम हो या फिर हेड रूम हो, आप बड़े आराम से आनंद के साथ यहाँ पर बैठ सकते हो, सो सकते हो, लेट सकते हो जैसे आपके मर्जी, क्योंकि ये गाड़ी का जो साइज है 7 सीटर है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दी कि 5 सीटर कैपेसिटी के साथ इसका इंटीरियर को बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट लेवल लग्जरियस एंड कम्फर्ट मिलने के लिए ऐसा किया गया है। थोड़ा सा फ्लोर का जो हाइट है मेरा परसेप्शन के मुताबिक मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि 4x4 है तो थोड़ा बहुत आपको कंफर्ट में इशू यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो जो स्पेस है काफी अच्छा है, बढ़िया है। रियर सीट्स के पीछे एसी कंट्रोल मिल जाते हैं एंड कुछ चार्जिंग पोर्ट्स ऑफर की गई। इसके अलावा सीट्स वेंटिलेशन वो भी प्रोवाइड की गई। सेंटर में ही थोड़ा जो स्पेस है आपको काफी यहाँ पर कम मिलने वाला है, नहीं तो गाड़ी जो है मस्त है, बढ़िया है। एंड दोस्तों इस गाड़ी के अंदर एडस एंड सेफ्टी फीचर्स के तौर पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड वो ब्लाइंड स्पॉट्स डिटेक्शन, क्रॉस एडेप्ट डिटेक्शन, एंड डोर्स है ड्राइवर डिटेक्शन, एक्टिव लेन मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरसेक्शन कॉलिजन असिस्ट सिस्टम एंड प्रेडिक्टेड इमरजेंसी ब्रेकिंग, फुल स्पीड वार्निंग, कॉलिजन वार्निंग एंड ऑल्सो कम विथ ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब तो मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 8 एयरबैग्स मिल जाते हैं, सो सेफ्टी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज। वैसे दोस्तों क्या आप भी जीप ग्रैंड चेरोकी को अपनाना चाहते हो? इफ योर आंसर इज येस देन ड्रॉप ए कमेंट फॉर मी। सो आज के लिए यही बारे होती है वीडियो एंड बाय बाय दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।